गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, दिस इज योर कंप्यूटर बुक और आज हम लोग कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आपके 3 चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास भी दिया था, आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पीपीटी के थ्रू इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ क्लास, हमारे 3 चैप्टर का क्या नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर हम किन्हें कहते हैं? वो सारी चीजें या वो सारी डिवाइसेज जिनको हम टच कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और ये जो हार्डवेयर डिवाइसेज होते हैं इनके थ्रू हम क्या कहते करते हैं, हमें जो वर्क करवाना होता है कंप्यूटर से, हमें जो काम करवाना होता है हम इन्हीं के थ्रू, इन्हीं की हेल्प से क्या करते हैं, कंप्यूटर से अपना काम करवाते हैं। मतलब कंप्यूटर की तो आप कमांड नहीं दोगे तब तक आपका काम कैसे होगा, है ना? तो ये तो हमने इसे पहले वाला चैप्टर में पढ़ा था, बट इस चैप्टर में हम लोग क्या कहें, ऑपरेटिंग मतलब चलाना। ये जो आपका कीबोर्ड है, माउस है या आपका मॉनिटर है, ये तो आपका हार्डवेयर है, बट हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए भी इसमें क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, बट इस चैप्टर में हम विंडो 7 के बारे में स्टडी करेंगे। बेटा ये वर्जन होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए एक एडवांस जो एडवांस सिस्टम ऑपरेट किया जाता है। जैसे कि विंडो 7 हो गया, अगर हम विंडो 7 और विंडो 10 को कंपैरिजन करें, काम सारे ये विंडो 7 भी वही करेगा और 10 भी वही करेगा, बट बेटा उसमें क्या आ जाएगा, विंडो 10 में कंपैरिजन टू विंडो 7 वो थोड़ा एडवांस होगा, उसका काम करने का तरीका थोड़ा अलग होगा और उसमें कुछ नए नए फीचर्स भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। अभी मैं समझा देती हूँ आपको क्या है, अ यूजर इंटरेक्ट विथ अ कंप्यूटर यूजिंग अ CUI ऑफ अ GUI। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दीज टू टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। इसमें बेटा ये कहा गया है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, बट एक बस वो एक माध्यम होते हैं हमारी बात कंप्यूटर को कहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए दो इंसान है, दो ह्यूमन बीइंग है, आपस में वो लोग बात कर रहे हैं। अगर आपस में वो लोग बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि दो ह्यूमन बीइंग है तो वो आपस में बातें कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई दूसरा इंसान मुझे कुछ कह रहा है और मैं जब उस बात को समझ ही नहीं पा रही हूँ, तो उसके बात को कहने का कोई मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सब चीज है, बट आप इससे कमांड भी दे रहे हैं कंप्यूटर का, बट जब कंप्यूटर आपकी बात ही नहीं समझेगा तो उसका कोई फायदा है? नहीं है फायदा। ठीक है, फिर आप लोग दो वर्ड्स देख रहे होंगे, CUI और GUI। अब ये क्या है, मैंने आपको बताया था CUI की फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोगों ने बुक पढ़ा होगा, आई होप कि आप लोगों को इसका मतलब पता होगा। क्या होगा CUI का मतलब, क्या है बताइए? करेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या है? करेक्टर यूजर इंटरफेस। और GUI का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है बेटा, CUI का मतलब ये है, मान लीजिए कि मेरा फ्रेंड है और मुझे उससे बताना है कि उसको मेरे घर आना है और मैंने उसको अपने घर का रास्ता बताया। ठीक है, घर का रास्ता बताया, मैंने पहले उसको क्या किया, मैंने उसको एक लिस्ट बना के दे दी कि पहले तुम लेफ्ट आओगे,
फिर राइट मुड़ जाना, फिर तुमको एक स्कूल दिखेगा, वहां से आप राइट मुड़ जाना, फिर आप लेफ्ट जाना। इस तरीके जब मैं अपने फ्रेंड को बताऊंगी तो वो एक कैसा प्रोसेस कहलाएगा, वो कहलाएगा करेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब CUI कहलाएगा। मतलब कि जब आप कंप्यूटर को एज अ टेक्स्ट आपको कंप्यूटर अगर कुछ बताता है तो वो क्या कहलाता है, CUI कहलाता है। ठीक है, फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GUI, GUI मतलब ग्राफिकल, क्या होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब क्या होता है, मैंने तो आपको बताया कि जैसे मेरा फ्रेंड है, मुझे उसको अपने घर पे इनवाइट करना है और मैंने उसको जब अपने घर का रास्ता बताया तो मैंने उसको लिख दिया कि राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है। बट अगर मैं अपने दोस्त को अपने घर जब बुला रही हूँ, मैंने उसको क्या किया, ग्राफिक स्टाइल में बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिक, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, एक मिनट। जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड को ये बोला है कि मेरे घर आने के, तो मैंने आपको बताया कि आप एक टेक्स्ट में भी बता सकते हो और दूसरा ग्राफिकल, जैसे कि ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, इसको मुझे, ये मेरा घर है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा हाउस है और मुझे इसको यहाँ पे बुलाना है, ठीक है। तो मैं इसको टेक्स्ट में ना लिख के एज अ ग्राफिकली, जैसे कि मैं इसको ये बोलूँगी कि तुम्हें राइट आना है, तुम्हें एक स्कूल दिखाई देगा, ठीक है, स्कूल, फिर तुम लेफ्ट मुड़ जाना, फिर तुम्हें एक टेंपल दिखाई देगा, ठीक है, फिर सीधा चलना है आपको, फिर आपको एक लेफ्ट टर्न दिखाई देगा, उसे आपको लेफ्ट और सीधा आना है, फिर उसके बाद मेरा घर आ जाएगा। जब मैं अपने फ्रेंड को ऐसे पिक्चर की हेल्प से, या कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे आइकन भी बोलते हैं, आइकन की हेल्प से या पिक्चर की हेल्प से जब मैं अपने फ्रेंड को अपने घर का रास्ता बताऊंगी तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, GUL, क्या कहते हैं, GUL मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। समझ में आ गया? तो ये जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये बेटा ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आप अगर अपने कंप्यूटर में देखिए, मैंने बता दिया है ग्राफिकल, जैसे मतलब ये जो मैंने अपने फ्रेंड को ये जो पिक्चर बना के जो समझाया है कि तुम्हें ऐसा टेम्पल मिलेगा, तुम्हें स्कूल देखने को मिलेगा, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, बेटा इसी प्रोसेस को हम ग्राफिकल कहते हैं। ग्राफ की हेल्प से मैंने अपने फ्रेंड को ये बात बताई। अगर इसी बात को मैं ऐसा लिख देती कि पहले तुम्हें राइट मुड़ना है, फिर तुम्हें लेफ्ट जाना है, फिर तुम्हें टेम्पल दिखेगा, तुम्हें स्कूल दिखेगा, यही प्रोसेस हमारा CUL कहलाता है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस, अब कंप्यूटर से अगर हमें इंटरेक्ट करना है, कंप्यूटर से हमें अपना काम करवाना है, कंप्यूटर से हमें बात करनी है, तो हम इन दोनों प्रोसेस को, दोनों सिस्टम का क्या करते हैं, यूज करते हैं कंप्यूटर से इंटरफेस होने के लिए, इन कंप्यूटर्स को अपनी बात कहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पिक्चर्स देख रहे हैं, ये आपका क्या है, GUL, क्या है ये आपका GUL, क्योंकि बेटा ये जो भी पिक्चर है ग्राफिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से CUL और GUL की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। समझ में आ गया? अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था बेटा, आप ये कभी नहीं कह सकते कि मेरे पास अगर मॉनिटर स्क्रीन है तो मेरे पास कंप्यूटर है, नहीं। जब तक आपके पास मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इसके अंदर सॉफ्टवेयर ना हो, आपको यही पता ना हो कि CUL, GUL क्या होता है, उसके अलावा इन सब की बिना हेल्प के आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले बताया था कि जिस तरीके से हमारे बॉडी में माइंड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, माइंड ही तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपके पास माइंड है आपके पास, बट आपका कोई जो बॉडी का पार्ट है वो डैमेज है, माइंड तो बस आपका ये करने में मदद करता है ना, किस काम को कैसे करना है, बट तकलीफ तो आपको होगी ना किसी काम को करने के लिए, ठीक उसी तरीके से अगर कंप्यूटर का कोई भी पार्ट खराब है या नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि तभी मैं काम कर लूंगा। अगर मेरे पास CPU है, मेरे पास
कंप्यूटर का ब्रेन है तो मैं काम कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए। अब आप ही देख लीजिए कि आपके पास कंप्यूटर का हर एक एक डिवाइस है, बट आपके कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं है, अगर आप कंप्यूटर को कमांड दे रहे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो आपको क्या कंप्यूटर का कोई इम्पोर्टेंट है? नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आप CUI और GUI समझ गए होंगे। अगर आप CUI और GUI नहीं समझे हैं तो आप मुझे बताइए, मैं इसको दोबारा से समझाऊंगी, ठीक है। बट मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है CUI GUI, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है विंडोज GUI। क्या है विंडोज GUI? अब विंडोज GUI का क्या वो है, ठीक है, क्या बता रहे हैं, क्या बताया गया है विंडोज GUI के बारे में? GUI क्या मतलब हुआ? ग्राफिकल यूजर, क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। क्या है? सिंस विंडोज OS इज द मोस्ट पॉपुलर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट अस लुक एट द विंडोज GUI इन मोर डिटेल्स। डेस्कटॉप इज द मेन विंडोज फ्रॉम where the user begins most of the interactions, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें जो ये GUI है एक बहुत ही पॉपुलर एक सिस्टम मान रहे हैं। कैसे? ये देखिए, ये आपका जो सामने आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है आपका? ये GUI का ही पार्ट है। मैंने आपको बताया ना कि जब हम कंप्यूटर की बातों को एज अ पिक्चर, इसे हम पिक्चर नहीं कहते बेटा, ये जो आपके सामने ये जो छोटे छोटे पिक्चर दिखा रहे हैं इनको हम आइकन्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आइकन्स के नाम से। तो ये जो आइकन्स हैं, ये जो नीचे आप ये आइकन्स देख रहे हैं, ये हमारा जो कंप्यूटर होता है उसका एक क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर से ह्यूमन बींग को इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मैंने अभी जो आपको आइकन दिखाए सारे, ये जितने भी आइकन दिखाए, ये जो ऊपर जितने भी आइकन दिखाए, यहाँ जो आइकन, वैसे तो आप इतने सारे आइकन देख रहे हैं, कुछ ऐसे आइकन्स होते हैं जो हम सेल्फ उसे बनाते हैं, जैसे कि ये वाले आप फाइल्स देख रहे हैं, ये फाइल्स है बेटा, ये सारे फाइल्स है, ये येलो कलर के जो आप देख रहे हैं ये सारे फाइल्स है। बट ये जो कंप्यूटर हो गया, ओपेरा ब्राउजर हो गया, ये सब जो होते हैं ये हमारे, ये इसके बारे में भी हम स्टडी, रिसाइकल बीन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, इन सब चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे, तब तो हमें पता चलेगा कि ये जो GUI है हमारे कंप्यूटर के लिए कितना इम्पोर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई कम एजुकेटेड भी इंसान है, कम एजुकेटेड भी इंसान है, अगर हम उसे ग्राफिक तरीके से या पिक्चर के तरीके से या आइकन की हेल्प से अगर हम उसे कोई बात समझाते हैं तो वो इंसान बहुत इजी वे में समझ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने ही अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने अपने फ्रेंड को, जैसे कि मान लीजिए कोई कम एजुकेटेड इंसान है, ठीक है, मैंने उसको लिख के दे दिया, एज अ टेक्स्ट दे दिया कि तुम्हें मेरे घर ऐसे 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 आना है, तो जरूरी नहीं है कि वो उसे पढ़ ही सके, जरूरी नहीं है, क्या पता वो ना पढ़ा लिखा हो, या मैं ऐसे एक इंसान को अपने घर का एड्रेस बता दूं जो नहीं समझ पाएगा, तो उसके लिए मुश्किल होगा ये रीड करना। बट जो ये मैंने ग्राफिक तरीके से जो अपने घर का रास्ता बताया है, ये हर एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड सब लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से अगर कोशिश करें तो समझ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर को चलाने के लिए ये जो आइकन्स हैं, ये जो GUI है आपका, वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके।